नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, जारी करेंगे बाघों की गणना के आंकड़े। कांग्रेस का ऐलान, देश भर में चलाएंगे जन आंदोलन, राहुल गांधी का समर्थन करने वाले विपक्षी दलों का लेंगे साथ। पीएम मोदी पर बरसे केजरीवाल, बोले आजाद भारत के इतिहास में कोई 12वीं पास और सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री हुआ है। कर्नाटक की बुम्बई सरकार ने 4% मुस्लिम आरक्षण को किया खत्म, वो कालिगा और लियागत समुदाय में जोड़ा गया कोटा। महात्मा गांधी को लेकर मनोज सिन्हा का बड़ा बयान, बोले केवल हाई स्कूल पास थे महात्मा गांधी, नहीं थी लॉ डिग्री। राहुल की सदस्यता रद्द होती हुई वायनाड उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज, सितंबर में हो सकता है चुनाव। भारतीय दूतावासों में तोड़फोड़ की घटनाओं पर विदेश मंत्री ने दी कड़ी चेतावनी, कहा हम कार्यवाही देखना चाहते हैं। एकजुट होना होगा, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद मुखर हुए विपक्षी नेता पवार, केजरीवाल और स्टालिन। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर कसा तंज, बोले आरएसएस और बीजेपी को संविधान से न दी मनुवाद में विश्वास। एचडी कुमारस्वामी का केंद्र पर वार, का यह आश्चर्य की बात नहीं क्योंकि हर कोई जानता है कि केंद्र सरकार कैसा व्यवहार कर रही है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का दावा, बोले वह शाहबाद में रोटी खाता रहा, हमने बताया तो पंजाब पुलिस डेढ़ दिन बाद आई है। राहुल पर एक्शन के बाद कांग्रेस का कैंप डरो मत, कांग्रेस सोमवार से संविधान बचाओ आंदोलन शुरू करेगी। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने कार्यकर्ता को मारा थप्पड़, विधानसभा चुनाव में अपने पसंदीदा नेता के लिए टिकट की मांग कर रहा था। टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी का बयान, बोली पीएम मोदी को न्यू इंडिया में बीजेपी के निशाने पर विपक्षी नेता है। अनुराग ठाकुर का राहुल पर निशाना, बोले बीते 13 सालों में राहुल गांधी ने मात्र 21 चर्चाओं में हिस्सा लिया। वाराणसी में कांग्रेस पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा गरीब पिछड़े वर्ग का बेटा देश के सर्वोच्च पद पर जाए कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं। राहुल की संसद सदस्यता खत्म होने पर बीजेपी का तंज, भाजपा महानगर अध्यक्ष, बोले देश का कानून और संविधान सबसे ऊपर, फैसला स्वागत योग्य। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर अखिलेश का बयान, बोले विपक्ष को नगण्य मुकदमों में फंसाकर अपना भविष्य देख रही बीजेपी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बोला हमला का, अदालत के फैसले पर सवाल उठाने वाले दिमाग का कराए इलाज।
सपा नेता आजम खां की पत्नी तंजीन फातिमा व बेटे को आयकर का नोटिस, आय से अधिक संपत्ति का मामला। सीएम योगी का कांग्रेस पर हमला, बोले नक्सल और आतंकवाद को दिया बढ़ावा, गरीबों दलितों के अपमान का जनता लेगी बदला। सीएम योगी का राहुल पर निशाना, बोले गरीब का बेटा देश के सर्वोच्च पद पर जाए कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं। हरदोई पहुंचे मंत्री नितिन अग्रवाल ने अखिलेश को कहा इम्योच्योर, बोले राजनीति में कभी बड़े नहीं हो पाएंगे। मिर्जापुर में मां विंध्यावासिनी के दर्शन करने पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप, बोले देश में जोड़ने विदेश में तोड़ने की बात पर राहुल मांगे माफी। यूपी के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने सपा और कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले अखिलेश यादव से जरूर कुछ ऐसा हुआ है। लखनऊ में पुलिस पर पथराव, अंबेडकर प्रतिमा हटाने को लेकर दो पक्षों में बवाल, 10 से ज्यादा घायल। शादी के लिए की बेटा बेटी की हत्या, मां ने प्रेमी संगमल का नशे का इंजेक्शन देकर गला दबाया फिर गंग नहर में फेंका। मीट कारोबारी के ठिकानों पर 80 घंटे की रेड, 50 बैंक खाते खंगाले, सोने चांदी की जेवर सीज, आईटी टीम कारोबारी बेटे को दिल्ली ले गई। बॉब के लॉकर से 1.50 करोड़ के जेवरात गायब, कानपुर में बिना चाबी के खुल गया लॉकर, नीचे पड़ा मिला पर्स, बैंक प्रबंधन पर केस। नोएडा के एक्सपो मार्ट में हंगामा, वर्ल्ड स्टार्टअप मेगा कन्वेंशन में नहीं पहुंचे केंद्रीय मंत्री, स्टार्टअप्स बोले धोखा मिला। बसपा सरकार में मंत्री रहे याकूब कुरैशी का घर सील, पत्नी के नाम 9 करोड़ की कृषि भूमि की जब्त, 31 करोड़ की प्रॉपर्टी हो रही है कुर्क। पिता पुत्र की हत्या में पड़ोसी अरेस्ट, झांसी में पत्नी से अवैध संबंध के शक में बेटे की हत्या की, 500 पिता को भी मार डाला। औरैया में भाजपा मंडल अध्यक्ष को दबंगों ने पीटा, बोले पीटने पर पुलिस और पार्टी के लोगों ने नहीं की मदद, इसलिए हटा दिया झंडा। बुलंदशहर में प्रेमी युगल को बंधक बनाकर पीटा, लड़की के परिजनों ने दोनों पर बरसाए लाठी डंडे, चेहरे पर नाखून मारे, पुलिस ने छुड़ाया। गोरखपुर में खाकी की आड़ में क्राइम, 3000 की वर्दी खरीद, क्रिमिनल्स बन जाते हैं पुलिस, कभी लूट करते तो कभी वसूली कर रहे हैं। बरेली में एनसीईआरटी की नकली किताबें पकड़ी, दिल्ली से पहुंची टीम ने मारा छापा, फैक्ट्री में छापकर दूसरे जिले में की जा रही थी सप्लाई। उत्तर प्रदेश में 6 आईएएस 8 पीसीएस अफसरों का ट्रांसफर, सुनील चौधरी को विशेष सचिव पिछड़ा वर्ग कल्याण में मिली तैनाती। कानपुर में साड़ी की दुकान में लगी आग, कर्मचारियों ने दुकान में रखे अग्निशमन यंत्र से पाया काबू, नुकसान व कोई जनहानि नहीं हुई। बलिया में एक्सई से हाथापाई, जान से मारने की धमकी, बिना कार्य कराए पेमेंट कराने का ठेकेदार बना रहा था दबाव। सहारनपुर में 48 पुलिसकर्मियों के बदले गए कार्यक्षेत्र, एसएसपी ने नवरात्रि और रमजान पर छुट्टियां रद्द की।
सुल्तानपुर सड़क हादसे में दो युवकों की मौत, अनियंत्रित बाइक ट्रैक्टर से जा भिड़ी, हेलमेट न पहनने के चलते सिर के बल गिरे दोनों। चंदौली में दो बाइकों के आमने सामने भिड़ंत, एक युवक की मौत, एक घायल, मृतक की 1 अप्रैल को तिलक और जून में होनी थी शादी। अम्बेडकर नगर में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष, एक की मौत, दोनों पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, 3 घायल। गाजियाबाद में एओए अध्यक्ष समेत 4 पर एफआईआर दर्ज, स्ट्रे डॉग्स को मारकर दूर फेंकवाने का आरोप, रेजिडेंस में गुस्सा बढ़ा। छत गिरने से मलबे में दबकर किसान की मौत, कमरे के अंदर चारपाई पर सोते समय हादसा मिट्टी व लकड़ी की बल्ली से बनी थी। उत्तराखंड के सीएम धामी ने आत्मनिर्भर पर दिया जोर, कहा हमारी सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर करने हेतु संकल्पित है। सीएम धामी ने जनप्रतिनिधियों एवं आमजन से की मुलाकात, आमजन के समस्याओं को तत्वरित निराकरण का दिया निर्देश। सीएम धामी ने की प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा, बोले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राज्य ने प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री धामी से की मुलाकात, राज्यपाल मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम को राज्य सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर शुभकामनाएं दी है। धामी सरकार ने खिलाड़ियों पर की धनवर्षा, मानसी नेगी ने 9 और पायल को मिला 8 लाख का नगद पुरस्कार। इकतीस मार्च को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे अमित शाह, सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं का करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर दी, पिथौरागढ़ और बागेश्वर को 348.56 करोड़ की सौगात, सीएम धामी ने जताया आभार। उत्तराखंड में नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट होगा हाईकोर्ट, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने दी मंजूरी। अमृतपाल की तलाश में जुटे उत्तराखंड एसटीएफ, प्रदेश भर में बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन तेज। उत्तराखंड में अमृतपाल की करीबी महिला को एनआईए ने हिरासत में लिया, पूछताछ के बाद दिल्ली ले गई टीम। उत्तराखंड में भारत नेपाल सीमा पर अमृतपाल की तलाश तेज, सुरक्षा एजेंसियां और खुफिया तंत्र अलर्ट। उत्तराखंड में सहारनपुर के युवक ने विदेशी महिला से की छेड़छाड़, विरोध करने पर किया जान से मारने का प्रयास। उत्तराखंड में गुप्तकाशी से केदारनाथ का किराया हुआ सस्ता, हेलीपैड टिकट काउंटर क्षेत्र में होंगे हैक प्रूफ। उत्तराखंड में चारधाम का उत्साह चरम पर, केवल एक दिन में हुए 6 लाख से ज्यादा पंजीकरण। उत्तराखंड में फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर सचिवालय पहुंची महिला, 2 पर मुकदमा, तीसरे व्यक्ति की तलाश में जुटी पुलिस। राहुल की सजा पर आया अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने का बयान में कहा कि गांधीवादी विचारधारा के साथ विश्वासघात।
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान, बोले वित्त मंत्रालय के पास चुनाव कराने के पैसे ही नहीं है। अमेरिका ईरान के बीच जंग का मैदान बना, सीरिया एयर स्ट्राइक के बाद बाइडेन ने दी चेतावनी, हम नहीं रुकने वाले। जेएसएमएम उपाध्यक्ष ने सिंध को लेकर पाकिस्तान का किया पर्दाफाश, भारतीय एनजीओ ने महिला सशक्तिकरण का दिया संदेश। उत्तर कोरियाई तानाशाही ने नकारी अमेरिका की चेतावनी, अब एक दिन में दाग दी 4 क्रूज मिसाइलें। जाकिर नाइक ओमान पहुंचा, भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा उसे भारत लाने की कोशिश जारी, 7 साल में मलेशिया में है जाकिर। अफगानिस्तान में तालिबान की कैद में 175 अमेरिकी नागरिक परिवार के लोगों को पब्लिक में बोलने से मनाही। ईरान के बाद अब सीरिया से रिश्ते बनाएगा सऊदी, ईद के बाद खुल सकती है एम्बेसी अरब लीग में, असद की वापसी मुमकिन। कनाडा में खालिस्तानियों ने महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़ी, खालिस्तानी का झंडा लगाकर अपमानजनक बातें लिखी। कमला हैरिस से नाराज बाइडेन, रिपोर्ट में दावा चैलेंजिंग असाइनमेंट्स में बचती है हैरिस, 2024 में ट्रंप के खिलाफ खुद ही उतरेंगे प्रेसिडेंट। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा, सरकार ने महंगाई भत्ते को 38% से बढ़कर 42% किया है। बीएमडब्ल्यू की क्रूजर बाइक 31.50 लाख में लॉन्च, आर 18 कंटेनमेंट में क्रूज कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर, टॉप स्पीड 180 किलोमीटर प्रति हावर। केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा, उज्ज्वला योजना में एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी का 1 साल और बढ़ी। सैमसंग गैलेक्सी F14 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, हाई स्पीड 5G बैंड सपोर्ट के साथ मिलेगी 6000 mAh की बड़ी बैटरी। मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा की नहीं हुई गिरफ्तारी, फरीदाबाद पुलिस ने बताया विवेक के गिरफ्तार होने की सभी खबरें अफवाह। आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए लॉन्च किया नया ऐप, DTS व TCS की जानकारी मोबाइल पर ही मिलेगी। बिना पंजीकरण सोशल मीडिया पर शेयर की खरीद बिक्री की सलाह देने वाले पर सेबी सख्त, 4 कंपनियों पर कार्रवाई। उच्च कर्ज वृद्धि के बावजूद छोटे कर्मचारी कारोबारियों के फंसे ऋण, 12.5% की आई कमी, 24% बढ़ा वितरण। चार महीने में देश का विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे तेज उछाल, एक हफ्ते में 12.8 अरब डॉलर की आई बढ़ोतरी। भारत में ट्रांसजेंडर को अपस्किल करेगा शाओमी कंपनी ने यूनाइटेड वे इंडिया के साथ की पार्टनरशिप। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को पहली बार T20 में हराया, पाक ने बनाए महज 92 रन, 6 विकेट से जीता। डबल रोल में नजर आए महेंद्र सिंह धोनी, अपनी ही बॉलिंग पर जड़ा कमाल का छक्का, वीडियो वायरल।
महेंद्र सिंह धोनी ने ब्रावो को दी सीटी बजाने की ट्रेनिंग। वायरल हुआ आईपीएल प्रोमो शूट का एक मजेदार वीडियो। लगातार तीन बार जीरो पर आउट होने के बाद सूर्या के सपोर्ट में उतरे युवराज बोले, हम भी देख चुके हैं बुरा वक्त। शर्मनाक हार के बाद भी पाकिस्तान के गेंदबाज एहसान उल्लाह ने किया कमाल, करियर की पहली गेंद पर लिया विकेट। पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद का बयान बोले, डब्ल्यूपीएल और आईपीएल की क्वालिटी क्रिकेट के लिए डोमेस्टिक स्ट्रक्चर मजबूत करना जरूरी। डब्ल्यूपीएल फाइनल में मुंबई 26 को दिल्ली से मुकाबला। इजाबेल वांग ने लिए टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक, नेटली सीवर का दोहरा प्रदर्शन। श्रेयस अय्यर की चोट पर बोले वेंकटेश अय्यर, कहा केकेआर में भी सभी हैं कैपेबल, कप्तानी कोई भी कर सकता है। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने खेला क्रिकेट। सैम करन ने पीएम को बॉलिंग की, इंग्लैंड के टी20 कैप्टन बटलर ने जर्सी गिफ्ट की है। इंपैक्ट प्लेयर कोहली का रिकी पोंटिंग का बड़ा बयान, इस नियम से ऑलराउंडर की भूमिका हो जाएगी कम। माहिरा खान को भारी पड़ी पठान की तारीफ। पाकिस्तानी सांसद अफनाना उल्लाह बोले, इन्हें मानसिक बीमारी है। गदर 2 को लेकर केआरके ने दिया बड़ा बयान, कहा गदर 2 200 करोड़ के रुपए का लाइफ टाइम थिएटिकल बिजनेस करेगी। रणवीर सिंह के नाराज है दीपिका पादुकोण, नहीं पकड़ा पति का हाथ तो लोगों ने पूछा क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तू झूठी में मकार का बजा डंका, 200 करोड़ क्लब में शामिल होने के करीब पहुंचे फिल्म। दिव्यांगा त्रिपाठी ने भूकंप के झटकों को बताया एक्साइटिंग, एक्ट्रेस का लाइव वीडियो देख भड़के लोग। अल्लू अर्जुन ने एयरपोर्ट पर पेपराजी को किया इग्नोर, वीडियो देखी यूजर्स बोले, अभी तक अपने कैरेक्टर से बाहर नहीं निकले क्या। केएल राहुल को पहचान नहीं पाई राखी सावंत, मीडिया ने याद दिलाया तब जाकर पहचाना बोली, कार की खिड़की नीचे करते तो बधाई देती। नई मुसीबत में फंसे दिख रहे सलमान खान, जर्नलिस्ट के साथ बदसलूकी मामले में आएगा फैसला। एक्स वाइफ से सुलह करना चाहते हैं नवाजुद्दीन, बच्चों से मिलने दिया तो केस वापस लेंगे, लॉयर बोला बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो रही है। शूटिंग पर वापस लौटे अमिताभ बच्चन बोले, काम के शेड्यूल पूरे हो गए हैं और चार्ट फिर से भरना शुरू हो गया है मोई की खुशी के लिए। शतक में आज के लिए बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।